हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के बच्चों को बताएंगे कि टू टू और टू का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब हम टू की बात करते हैं तो तीन प्रकार के टू हमारे सामने आते हैं, टू टू एंड टू। और हमें बच्चों को इनका प्रयोग करने के बारे में बताना होता है कि कैसे इनका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम फर्स्ट टू को देखते हैं। जब हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ से रिलेट करते हैं तो हम टी ओ टू का प्रयोग करते हैं, यानी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम टू को लेते हैं। दूसरा होता है टू, यानी कि जब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, यानी वेरी वेरी, यानी जब हम कहते हैं टू कोल्ड तो उस समय हम टू का प्रयोग करते हैं, जो होता है टू कोल्ड, टू लॉन्ग, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा टू होता है टी डब्ल्यू ओ टू, जो नंबर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग आमतौर पर जब भी कोई नंबर से रिलेटेड सेंटेंस होता है उसमें किया जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ सेंटेंस देंगे बच्चों को और उनमें उनको कहेंगे कि राइट टू एंड टू, कि इनको फिलअप करो, इसमें ये टू आएगा या ये टू आएगा या ये टू आएगा। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, आई एम गोइंग डैश द स्कूल। तो यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं तो आ जाएगा टी ओ टू। हम इस सेंटेंस में टू का प्रयोग किसी को रिलेट करने के लिए कर रहे हैं। वी हैव डैश ईयर्स, ईयर्स तो आई हैव, वी हैव टू ईयर्स, तो यहाँ पर टी डब्ल्यू ओ टू होगा। आई हैव डैश रुपीज़, तो अगेन टू रुपीज़। ही इज़ डैश ओल्ड, तो यहाँ पर आएगा टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा। टॉम वेंट डैश टू डैश बेड अर्ली, टू बेड अर्ली, अगेन हेल्पिंग वर्ब। इट इज़ डैश हॉट टू प्ले, टू हॉट टू प्ले। माई कैट हैज़ डैश किटन, तो कैट हैज़ नंबर आएगा टू किटन। तो इस प्रकार से हम बच्चों को ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए देंगे और उनको समझाएंगे कि कैसे उनको यूज़ करना है टू टू एंड टू। थैंक यू एवरीवन।